तैयार नहीं था। इस बारे में हमें पहले बात करनी चाहिए। तुम जान सातवा चिन्ह लो अपनी मंगल के साथ। वैसे भी हमारे आदित्य ने सौम्या के मुंह पर फाड़े डाइवोर्स पेपर। आदित्य ने मंगल को डाइवोर्स देने से किया इनकार। सौम्या का प्लान हुआ फ्लॉप। सौम्या हुई आदित्य से नाराज। सौम्या ने आदित्य और मंगल के डाइवोर्स पेपर बनवाए थे, लेकिन आदित्य ने सौम्या के मुंह पर वो डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए हैं, जिसके बाद सौम्या आदित्य से नाराज हो गई है और सौम्या का गुस्सा फूट रहा है आदित्य के ऊपर। और इसके साथ ही दोनों के बीच जमकर बहस भी हो रही है। आदित्य सौम्या को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सौम्या आदित्य की बात नहीं सुन रही है और गुस्से में वो वहां से जा रही है। बल इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे शो में सौम्या का एक्सीडेंट भी हो जाएगा, जिसके बाद आदित्य सौम्या का उसके घर जाकर उसका ख्याल भी रखेगा और इस बात पर भी खूब सारा ड्रामा होने वाला है। अब आदित्य के साथ फाइनल पॉइंट पे पहुंच गई है बात, जहाँ पे सौम्या डिवोर्स पेपर्स लेके आ गई है और अभी बस आर या पार वाला सिचुएशन है। तो अभी फिलहाल वही चल रहा है और आदित्य एकदम शॉक में है कि सौम्या का क्या रिएक्शन होने वाला है, तो वही शूट कर रहे हैं हम फिलहाल। डिवोर्स पेपर्स हैं जो सौम्या फोर्स कर रही है आदित्य को कि तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा, 20 दिन में शादी करनी होगी। तो डिवोर्स पेपर्स फाड़े हैं अभी आदित्य ने, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। घर पे भी उसकी बैंड बज रही है, सौम्या भी उसकी बैंड बजा रही है और अब बस उस कैफे से निकले ही हैं और सौम्या का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पैर में चोट लग जाती है। फैंस को कहना चाहूँगी कि अभी ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एक तरफ सौम्या सोच रही है कि 20 दिन में उसकी शादी होने वाली है, दूसरी तरफ घर में आदित्य और मंगल के सेकंड टाइम फेरों की प्रेपरेशन चल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते रहिए।